अनुराग ने ट्वीट किया था जिसके बाद मैं और अशोक जी अनुराग से मिले. अनुराग का ट्वीट था कि दिस माय फाइट एंड आई फाइट इट अलोन. सो आई कॉल्ड अनुराग एंड वेंट टू मीट हिम. तो एक तो मैं अनुराग से कहना चाहता हूँ कि इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन हम 10,000 मेंबर्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, और ये लड़ाई इन 10,000 डायरेक्टर्स की है और इसीलिए हम लोग अनुराग के साथ. ये लड़ाई हर फिल्म मेकर की है, ये लड़ाई हर आदमी की है जो आज़ादी की अभिव्यक्ति में विश्वास रखता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास रखता है. क्योंकि जब से पहला जी आए हैं, मतलब बहुत सीनियर फिल्म मेकर्स यहाँ बैठे हैं, कि जो हमारी आज़ादी है बात कहने की आज़ादी है. देखिए फिल्म मेकर जो है वो जनमानस की आत्मा की आवाज़ है, ऐसा हम लोग कहते हैं. तो आत्मा की आवाज़ जो है, अगर उड़ता पंजाब जो फिल्म है, अगर वो पंजाब के जनमानस की आत्मा की आवाज़ को सामने लेकर के आ रही है, तो उस पर सेंसरशिप का क्या मतलब है. और आप ये मानिए कि पिछले कुछ समय से, जब से पहला जी आए, हमले बहुत पहने हुए हैं, हमले बहुत तेज हुए हैं. सो अनुराग ने जो लड़ाई शुरू की है, जो उड़ता पंजाब की थी, मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा. तो एक तो ये कि पूरी डायरेक्टर फ्रेटर्निटी 10,000 मेंबर्स हम लोग हैं, यहाँ बबलू जी हैं, रमेश जी हैं, मुकेश जी हैं, प्रोड्यूसर्स की बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं. सो एक तरह से पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि जब भी अनुराग चैनल्स पे जाते हैं, जिनसे कहा जाता है कि आप हमेशा अकेला लड़ते हैं, इंडस्ट्री कहाँ है आपके साथ, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्री यहाँ है इनके साथ, आप देख सकते हैं. तो पूरी इंडस्ट्री एकजुट होकर के इस लड़ाई में अनुराग के उड़ता पंजाब की टीम के साथ है, और इस लड़ाई को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर के जाना चाहिए इस बार, क्योंकि नहीं तो ये हमले लगातार बढ़ते चले जाएंगे. हम ये करना चाहिए. अनुराग सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं है, मेरा मानना है, जब से अनुराग पुराने दोस्त हैं, जब से फिल्म बनाते हैं, ये हिंदी सिनेमा का चेगो वगैरह है, तो हमें मुझे लगता है साथ मिलकर साथ देना चाहिए. थैंक यू.